हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल इन इंस्पायर्ड कॉर्नर टुडे वी विल रीड पोएम द आंट एंड द क्रिकेट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम एंड इट गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मॉरल ऑफ लाइफ अब आप लोग सोच रहे होंगे पोएम का नेम तो द आंट एंड द क्रिकेट है और आंट क्या होती है चींटी क्रिकेट झिंगुर क्या क्रिकेट और झिंगूर हमें कोई लाइफ का मॉरल दे सकते हैं कोई शिक्षा दे सकते हैं हो सकता है दे सकते हो पर ये सब हमें इस पोएम को पढ़कर ही पता चलेगा मॉरल अब फेबल आया है फेबल क्या होता है काल्पनिक एक जो काल्पनिक स्टोरीज स्टोरी होती है काल्पनिक कहानी होती हैं, ये अधिकतर एनिमल्स को करेक्टर पर बनती हैं जो कि हमें मॉरल्स देती हैं शिक्षाएं देती हैं दिस पोएम अबाउट एन आर्ट एंड अ क्रिकेट कंटेंस एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंट विच इज एज टू फोर लेग्ड क्रिकेट एज ऑफ अ टू लेग्ड वन अब जो ये इस पोएम है ये आर्ट और क्रिकेट को लेकर बनाई गई है और इसमें भी एक आइडिया है एक मॉरल है जो कि हम तक पहुंचा रहे अब पहुंचा रहे हैं पोइट फोर क्रिकेट तो आपने देखे होंगे और टू लेक्ड भी देखे होंगे अब टू पो किसे पोइट बोल रहा है इस पोएम में टू क्रिकेट किसके लिए यूज हो रहा है जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे उसे समझेंगे तब हमें पता लगेगा श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज टू लैग अब पक्का ही आपने दो ले क्रिकेट भी देखा होगा अब हम देखते कि हमने देखा है या नहीं देखा है पोयम अंग क्रिकेट ए कस्टम्ड टू सिंग थ्रू द वनी मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग असिली यंग क्रिकेट एक झंगूर अब क्या करता है जब स्प्रिंग और समर की जब बसंत और गर्मियों की जब ऋतु आती है चारों तरफ गर्मी होती है सनी मंस होते हैं तो क्या करता है वो सिर्फ गाना ही गाता है और कोई काम नहीं करता उसकी हैबिट एक कस्टम का मतलब होता है इन द हैबिट ऑफ सिंगिंग वो सिर्फ एक काम गाने का ही करता है अब सिली यंग क्रिकेट क्यों कहा है इसको मूर्ख क्रिकेट क्यों कहा है देखो और वो गाना गा रहा है तो क्यों बोल रहे हो सिर्फ गाना ही गाता है वेन ही फाउंड दैट एट होम हिस्स was एम्पटी एंड विंटर वॉज कम अब क्यों उसे सिली कहा गया है क्योंकि जब सर्दी शुरू होती है तो वो अपने घर जाता है तब उसकी शिकायतें शुरू हो जाती हैं हिज है बर्ड्स हैज है जो उसकी अलमारी है वो बिल्कुल खाली रहती है एंड विंटर वॉज कम और सर्दियां शुरू हो जाती हैं नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लॉर

मतलब टुकड़ा छोटा सा टुकड़ा भी ब्रेड का उसके पास नहीं है ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड और ना ही कोई ऐसी और सारा जो ग्राउंड है सारी जो धरती है वो स्नो से कवर हो गया बर्फ से ढक गई है नॉट अ फ्लावर कुड ही सी और उसको एक फूल भी दिखाई नहीं दे रहा है नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री यहाँ तक कि किसी पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं है ओह वट विल विल बिकम से द्रिकेट ऑफ मी अब अब क्रिकेट बोलता है कि अब क्या होगा वट विल बिकम अब क्या होगा ऑफ वी मेरे साथ अब क्या होगा अब देखो न गर्मियों में तो मैं गाना गाता रहा स्प्रिंग में भी मैं गाना गाता रहा जब सर्दी आई तो मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं ठंड से बचने के लिए नहीं तो अब मेरा क्या होगा एट लास्ट बाय स्टेरवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड अब उसको भूख ने फैमाइन मतलब फूड अब उसके पास खाना नहीं था इस सब ने उसको बोल्ड बना दिया उसको ताकतवर बना दिया ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रिम्बलिंग विथ गोल्ड अब क्या हुआ वो ना मतलब ठंड से भी गया बर्फ में जाता हुआ काँपते हुए चल पड़ा अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट अब वो किसके पास गया एक आंट के पास चिंटी के पास गया जो कि दया थी उसको दया नहीं आता था अब उससे क्या बोल रहा है वो कि अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो ही वुड ग्रांट मतलब देखना चाहेगी तो वो मेरे ऊपर क्या कर देगी कृपा कर देगी ग्रांट मतलब कृपा कैसी करेगी कुछ खाना दे देगी या कुछ ऐसे मेरी हेल्प कर देगी शेल्टर फ्रॉम रेन एंड मॉथ फुल ऑफ ग्रीन ही वेस्ट ओनली टू हैड रिपे इट टू मोरो वो जाता है चिंटी मज़े से बैठी अपने घर में उसको बोलता है हिम शेल्टर फॉर रेन मुझे रेन बारिश से बचने के लिए एक शेल्टर दे दो रहने के लिए जगह दे दो एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन मतलब इतना खाना दे दो कि जिससे मेरे मुंह में आ जाए मतलब मेरा पेट भर जाए ही विस्ट ओनली टू बोरो वो कहता है सिर्फ मैं इसकी बोरो कर रहा हूँ उधार मांग रहा हूँ बाकी मुझे ऐसे नहीं चाहिए He had repay it to tomorrow. मैं तुम्हें ये सारा कल वापिस कर दूंगा मुझे क्या दे दो माउथफुल ऑफ ग्रेन दे दो और साथ में मुझे शेल्टर फ्रॉम रेन दे दो अब आंट क्या बोलती है उसको देखो इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टेवेशन एंड सोरो अगर वो ऐसा नहीं होगा तो क्या हो जाएगा वो भूख से और दुख से मर जाएगा क्रिकेट अब आंट क्या बोलती है चींटी क्या बोलती है क्रिकेट को आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ और तुम्हारी फ्रेंड भी हूँ बट वी आंट नेवर बोरो वी आंट्स नेवर लैंड पर जो हम आर्ट्स होते चींटियां होती है ना तो हम किसी से उधार लेते हैं नेवरलैंड ना ही किसी को उधार देती हैं बट टेल मी डियर क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय वेन दर वॉज द क्रिकेट नॉट अब वो क्या बोलता है पूछती है उससे बट टेल मी डियर क्रिकेट पर मुझे बताओ प्रिय क्रिकेट डिड यू ले नथिंग बाय वेन द वेदर was वाम जब मौसम गर्म था तो तुमने कुछ नहीं किया क्वथ द क्रिकेट क्वथ एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है इसका मतलब होता है सैड अब क्रिकेट क्या कहता है नॉट नॉट का मतलब नहीं अब क्या बोलती है देखो चिंटी माई हार्ट वाज सो लाइट अब क्या बोल रहा है उसको क्रिकेट माई हार्ट वाज सो लाइट वो क्या बोलता है माई हार्ट वाजो मेरा दिल इतना हल्का था दैट आई सेंग डे एंड नाइट मैं पूरे दिन रात गाता ही रहा फॉर ऑल नेचर लुकड गे यू सेंग सर यू से अब वो क्या बोल रही है उसको आगे बोलती है कि अब तो सारा ही गे हो गया सब कुछ हो गया अब तुम गाते ही रहो गाते ही रहो गो देस द विंटर अवे अब वो क्या कह रही है अब तुम डांस करो विंटर में अब सर्दी आ गया तो तुम अब डांस करते रहो दस एंडिंग ही Hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Flocks call this fable, I will warn, warrant it true. Some crickets have four legs and some have two. Thus ending the hastily. लिफ्टेड द विकेट अब वो क्या करती है दरवाजा अपना घर का बंद कर देती है एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट अब क्या होता है लिटिल क्रिकेट क्या दरवाजा बंद होता है हो जाता है और वो, वो भूखा प्यासा रह जाता है फॉल्स कॉल दिस दिसबल अब ये जो पोएम है ये काल्पनिक कहानी है आई विल वारंटेड यू मैं तुम्हें इस वारंट मतलब बता रहा हूँ सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स सम हैव टू कुछ जो क्रिकेट्स होते हैं उनकी चार लेग्स होती हैं और कुछ के टू कुछ के दो होती है दो किसके लिए आया है मनुष्य के लिए आया है। अब देखो बच्चों आप लोगों का जब ईयर स्टार्ट होता है तो आपकी स्टडी साथ चलती है आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं और टीचर्स भी बोलते हैं साथ साथ पढ़ो आप पर कुछ बच्चे तो अपना साथ साथ पढ़ते हैं और कुछ बच्चे क्या करते हैं हम पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पर जब आपके एग्जाम्स आते हैं पंद्रह दिन रह जाते हैं तब आपको याद आता है कि हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने कोई स्टडी ही नहीं की तब आपको होता है कि हाय हम फेल ना हो जाए तब आप एकदम सोचते हैं पढ़ना आपकी स्थिति भी जैसे क्रिकेट है वैसे ही हो जाती है और जो डेली पढ़ रहे हैं उनकी स्थिति कैसे होती है आर्ट्स की तरह और वो अच्छे नंबरों में पास हो जाते हैं क्रिकेट की तरह जो आप पढ़ करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है अब हम इसकी समरी को देखेंगे द पोएम द आर्ट एंड द क्रिकेट इज़ अ फेबल अ फेबल इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी दैट टीचिस अ मॉरल लेसन यूजली द करेक्टर्स इन फेबल आर एनिमल्स दिस पोएम ऑल्सो टीचिज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉरल लेसन ऑफ बींग इंडस्ट्रीज लाइक एंड आर्ट इट ऑल्सो टीचेज अस वी शुड नॉट बी लाइक द क्रिकेट जो पोएम आर्ट एंड द क्रिकेट है ये एक फेबल है ये एक काल्पनिक स्टोरी है जो काल्पनिक कहानियाँ होती हैं ये मॉरल देती है हमें शिक्षाएँ देती हैं और अधिकतर ये किस पर बनी होती है एनिमल्स पर बनी होती है और ये पोएम भी हमें बताती है कि हमें एक आंट की तरह

क्या लेगा वो कुछ मतलब अनाज बोरो करेगा और कुछ दिन रहने के लिए उससे जगह लेगा और उसकी इंटेंशन ये होती है कि वो उसे बाद में वापस कर देगा वो सिर्फ बोरो करेगा ना कि ऐसे रख लेगा हाउ एवर द आट डिड नॉट हेल्प द क्रिकेट शी टोल्ड हिम विदाउट मीनसिंग वर्ड्स दैट इट वॉज रूल ऑफ आर्ट्स दैट दे नाइदर बोरो नॉर लैंड She asked the cricket his astonishment if he had not saved anything for the winter, to which the cricket replied in negative. She asked him the reason. He replied, He was so busy enjoying his life. He did not bother to save or put an by anything. The aunt taunted him. to go and dance during the winter also अब जब वो उसके पास क्रिकेट मांगने जाता है तो वो बोलती है आंट्स को कि ना तो हम किसी से बोरो करते हैं ना ही हम किसी को उधार देते हैं और जब वो उसे पूछती है कि तुमने सर क्या किया गर्मियों में तो वो बोलता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय करता रहा गाता ही रहा और मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस वक्त तो आंट क्या टोंट मार देती है उसको कि विंटर में अब तुम डांस करो अब अगर तुमने नहीं बचाया है तो तुम डांस करो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट वी मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्यूचर वी मस्ट नॉट जस्ट स्पेंड आवर गुड टाइम्स इडली वी मस्ट ऑल्सो सिक्योर आवर फ्यूचर अगेंस्ट द बैड टाइम्स ऑल्सो कंक्लूजन इसका क्या है कि हम अपने फ्यूचर के, के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं और हमें अपने जो अच्छा समय है उसको ऐसे ही नहीं बिता देना चाहिए हमें अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ चीज़ सिक्योर करना चाहिए और बुरे समय को आने के लिए नहीं बुलाना चाहिए मतलब अपने फ्यूचर को बुरा नहीं बनाना चाहिए थैंक यू स्टूडेंट्स